अजी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की तकारीर की नशरियात न दिखाने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन पैमरा, डायरेक्टर ऑपरेशंस पैमरा और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस वक्त इमरान खान के वकील बैरिस्टर अहमद पंसोता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मजीद अदालती क्या कार्रवाई हुई है। बैरिस्टर साहब, आप ये बताएं कि इसमें आपकी इमरान खान साहब की प्रेयर क्या थी और आज अदालत का क्या फैसला है? इमरान खान साहब की प्रेयर बड़ी सिंपल है जी। वो ये है कि हमें इस प्रोहिबिशन ऑर्डर जिसके तहत इमरान खान साहब की स्पीचेस को बंद किया गया था उसको अदालत ने सस्पेंड कर दिया था उसका ऑपरेशन। अब जब उसका ऑपरेशन सस्पेंडेड है, उसकी अदम मौजूदगी में कोई रीजन नहीं है खान साहब की तकरीर को रोका जाए। हो ये रहा है कि जो पैमरा की साइड से ऑफिशियल हैं वो इनफॉर्मली उनको व्हाट्सएप कॉल और उसके थ्रू रोकते हैं कि इनकी तकरीर मत चलाए। जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो हम आज कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट ये करना चाह रहे थे कि उस चीज को ऑफकोर्स प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। और 2022 के सितंबर में भी एक चैनल की बंदिश के टाइम पर भी पैमरा ने यही काम किया था और उस टाइम पर अदालत ने इसका नोटिस किया था और एक केबल ऑपरेटर ने लिख के दे दिया था नेयरटेल के नाम से। अभी आज क्या हुआ है अदालती कार्रवाई? आज कार्रवाई ये हुई है कि उन्होंने चेयरमैन पैमरा साहब से जो है जवाब मुकवा लिया और उनसे कहा कि अपनी स्टेटेड पोजीशन दे दें। जब वो स्टेटेड पोजीशन आ जाएगी तो हम फिर ऑफकोर्स अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीजें कोर्ट की फाइल पर रखेंगे तो एस्टैब्लिश कि उन्होंने कंटेम्प्ट किया। अजी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने चेयरमैन पैमरा और डायरेक्टर ऑपरेशंस पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जी।